देखिए, कुछ सरल अवस्थाओं से पिंडों के जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। नंबर एक है 2a लंबाई तथा m संहति की एक समान क्षण का उस सरल रेखा के परतः है जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना। नंबर एक, जो क्षण के मध्य बिंदु से जाती हो या पारित हो तथा उसके लंबवत हो। नंबर दो, क्षण के एक सिरे से पारित हो तथा क्षण के लंबवत हो तो देखिए, पहले इसमें क्या करेंगे, एक 2a लंबाई की कोई क्षण लेंगे, ठीक है। क्षण की संहति m है, उस पर कोई अवयव PQ मान लेंगे जिसकी चौड़ाई डेल एक्स लेंगे, और यानी लंबवत रेखा से बिंदु P तक की दूरी एक्स मानेंगे। अब छड़ की पूरी संहति कितनी है, एम है, तो हम अवयव PQ की जब संहति ज्ञात करेंगे तो एम बटे 2a इंटू डेल एक्स हो जाएगी। अब रेखा यानी रेखा का यानी अवयव PQ का रेखा जो भी आप मध्य बिंदु से रेखा मानेंगे उससे लंबिक दूरी ज्ञात है यानी x मानेंगे, और छड़ का यानी अवयव PQ का जड़त्व आघूर्ण जब निकालेंगे तो m बटे 2a इंटू डेल एक्स गुणा लंबवत दूरी का वर्ग होता है। और जब पूरी छड़ का या पूरी किसी पिंड का निकालते हैं तो उसकी सीमा लगाकर क्या कर लेते हैं, समाकलन कर देते हैं। तो यानी जड़त्व आघूर्ण में पहले कोई अवयव लेते हैं, सभी में अवयव मानेंगे आप, फिर उसके बाद जो भी प्रश्न के अनुसार जो भी है उसके अनुसार अवयव PQ की मोटाई लंबाई, अवयव PQ के एकांक लंबाई की संहति, और फिर अवयव PQ की संहति। तो देखिए अब इसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे, ये छड़ ले ली आपने कोई ए बी, इसका मध्य बिंदु ले लिया ओ, अब इससे पारित ये रेखा है आपकी ओ एल, अब यहां बिंदु पी और यहां बिंदु क्यू जिसकी चौड़ाई डेल एक्स, और इस बिंदु से बिंदु पी की दूरी एक्स। देखिए ये चित्र बन गया, पहला है ये पहले का फर्स्ट भाग, मध्य बिंदु से पारित हो तथा छड़ के लंबवत हो। तो देखिए माना के 2a लंबाई की ए बी है जिसका मध्य बिंदु ओ, बिंदु ओ से बिंदु पी तक की दूरी एक्स है, अर्थात ओपी बराबर एक्स। अवयव पी क्यू की मो
मोटाई चौड़ाई बराबर डेल एक्स, अर्थात पी क्यू बराबर डेल एक्स। छड़ की सहमति, छड़ की सहमति बराबर एम, एकांक लंबाई की एकांक लंबाई की सहमति बराबर एम बटे टू ए। एकांक छड़ की कुल सहमति है ये, अब हम एकांक लंबाई की सहमति एम बटे टू ए, क्योंकि छड़ की पूरी लंबाई कितनी है आपकी टू ए, तो ये अब हो गई एकांक लंबाई की सहमति। अब अवयव अवयव पी क्यू की सहमति बराबर एम बटे टू ए इंटू डेल एक्स, एम बटे टू ए इंटू डेल एक्स। अवयव पी क्यू की सहमति हो गई, हमें अब इस अवयव पी क्यू का काहे परतः ज्ञात करना है, रेखा ओ एल के परतः है। अवयव पी क्यू का अवयव पी क्यू का ओ एल के परतः परतः जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर सहमति गुणा लंबित दूरी का वर्ग, लंबित दूरी का वर्ग। अब देखिए ओ एल से अवयव पी क्यू की लंबित दूरी x है, बराबर सहमति आपकी m बटे 2a इंटू डेल एक्स एक्स ए स्क्वायर। ये हो गया अवयव पी क्यू का ओ एल के परतः जड़त्व आघूर्ण। अब देखिए हमें पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है, और काय के परतः ओ एल के परतः, ये कहां से पारित है, छड़ के मध्य बिंदु से पारित है, कहां से पारित है छड़ के मध्य बिंदु से, तो इसकी सीमा हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए तक। जब हम पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करेंगे तो इसकी सीमा हो जाएगी माइनस ए से प्लस ए तक। तो देखिए माना के 2a लंबाई की छड़ AB है, जिसका मध्य बिंदु O है, बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी x है, अर्थात OP बराबर x, ये लंबित दूरी है, क्योंकि रेखा OL से अवयव PQ की ये लंबवत दूरी है, तो ये x हो गई। अवयव PQ की चौड़ाई कितनी है, डेल x है ये मोटाई या चौड़ाई। और छड़ की सहमति कितनी है, m है, पूरी छड़ की सहमति कितनी है, m है। एकांक लंबाई की सहमति ज्ञात करेंगे तो m बटे 2a हो जाएगी, और अवयव PQ की सहमति ज्ञात करेंगे तो m बटे 2a इंटू डेल x। अवयव PQ का ओ एल के परतः जड़त्व आघूर्ण सहमति गुणा लंबित दूरी का वर्ग, m बटे 2a इंटू डेल एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। जब हम पूरी छड़ का ज्ञात करेंगे तो सीमा लगा देंगे माइनस ए से प्लस ए। अतः पूरी छड़ का
ओ एल के परता है, ओ एल के परता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण बराबर माइनस ए से प्लस ए एम बटे टू ए इंटू एक्स स्क्वायर और डेल एक्स का एम बदल जाएगा डी एक्स में। अब इसे समाकलन हो गया, ये पूरी छड़ का रेखा ओ एल के परता है जड़त्व आघूर्ण हो गया, यानी समाकलन कर लेते हैं सीमा लगा देते हैं तब जाके हम पूरी छड़ का ओ एल के परता है जड़त्व आघूर्ण होगा। अब इसे सरल करेंगे, दिस इंप्लाइज एम बटे टू ए इंटू टू जीरो से ए एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये प्रॉपर्टी लगा दी सीनियर वाली, दो से दो कैंसिल हो गया बराबर एम बटे ए इंटू एक्स की तीन बटे तीन जीरो से ए बराबर एक बटे तीन एम बटे ए इंटू ए की पावर तीन माइनस जीरो हो जाएगा, ए से बराबर एक बटा तीन एम ए स्क्वायर। ये पूरी छड़ का आपका क्या हो गया, रेखा ओ एल के परता है जड़त्व आघूर्ण, ये हो गया। इस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले अवयव मानते हैं पी क्यू, अवयव पी क्यू मानते हैं पूरी सहमिति एम होती है, तो या तो पटल हो, क्षेत्रफल हो, एकांक लंबाई का हो, परिधि पे हो तो एक तब भी ऐसे ही निकालते हैं, वृत्त हो या आयताकार कोई भी हो तो उसका इसी प्रकार निकाल लेते हैं। नंबर दो, नंबर दो में देखिए, एक सिरे से पारित हो और छड़ के लंबवत हो कोई रेखा, ये बिंदु ए से पारित हो गई, इसे बिंदु एम मान लें, ये बिंदु पी बी हो गया, और यहां अवयव कोई पी ले लिया और ये क्यू बिंदु हो गया, इसकी मान लें डेल आर, ठीक, और ये दूरी मान लें, ये पूरी दूरी आर, वही तरीका है। अब आपकी सीमा यहां जीरो से कितनी बन जाएगी, टू ए तक, क्योंकि एक सिरे से पारित है, तो यहां से शून्य से लेकर पूरी रेखा की लंबाई कितनी है आपकी, टू ए। वही तरीका है, माना के, माना के टू ए एक छड़, एक छड़ ए बी जिसकी लंबाई, जिसकी लंबाई टू ए है, टू ए है, तथा इस छड़ के बिंदु ए से रेखा, छड़ के बिंदु ए, ए से छड़ के बिंदु ए से रेखा ए एम है, जो छड़ के लंबवत है, छड़ के लंबवत है, ए एम से रेखा ए
एम से बिंदु अवयव पी क्यू की अवयव पी क्यू की लंबिक दूरी, लंबिक दूरी आर है तथा अवयव पी क्यू की मोटाई अवयव पी क्यू बराबर डेल आर। अब एकांक लंबाई की संहिति अवयव एकांक एकांक लंबाई की संहिति संहिति बराबर एम बटे टू ए। अवयव पी क्यू की संहिति अवयव पी क्यू की संहिति संहिति बराबर एम बटे टू ए इंटू पी क्यू और पी क्यू बराबर काय के है डेल आर। ये हो गई अवयव पी क्यू की संहिति। अब अवयव पी क्यू का रेखा एम ए एम के परतः जड़त्व आघूर्ण। तो देखिए आपने माना के एक छड़ ए बी जिसकी लंबाई 2a है तथा छड़ के बिंदु a से रेखा am है जो छड़ के लंबवत है। रेखा am से अवयव pq की लंबिक दूरी r है तथा अवयव pq बराबर डेल r। एकांक लंबाई की संहिति छड़ की एकांक लंबाई की संहिति m बटे 2a हो जाएगी। अब अवयव pq की संहिति एम बटे टू ए इंटू डेल आर क्योंकि पी क्यू बराबर डेल आर के है। अब अवयव पी क्यू का रेखा ए एम के परतः जड़त्व आघूर्ण। अवयव अवयव PQ का रेखा AM के परतः परतः जड़त्व आघूर्ण बराबर M बटे 2A इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल आर इंटू डेल आर। अब पूरी छड़ का निकालेंगे। अब पूरी छड़ का रेखा ए एम के परतः के परतः जड़त्व आघूर्ण बराबर जीरो से टू ए इंटू एम बटे टू ए इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर एम बटे टू ए इंटू जीरो से टू ए इंटू आर स्क्वायर इंटू डी आर बराबर एम बटे 2a इंटू एक बटा तीन आर की घात तीन जीरो से 2a बराबर m बटे 2a इंटू आठ एक ही घात तीन बटे तीन दो से
चार बार कट गया, ए से ए स्क्वायर हो गया बराबर चार बटे तीन एम ए स्क्वायर। ये पूरी छड़ का जड़त्व आघूर्ण हो गया। अवयव पी क्यू का रेखा एम ए एम के परतः जड़त्व आघूर्ण एम बटे टू ए इंटू आर स्क्वायर इंटू डेल आर। जब पूरी छड़ का निकालते हैं तो सीमा लगा के समाकलन करते हैं, तो अब पूरी छड़ का रेखा ए एम के परतः जड़त्व आघूर्ण जीरो से इंटीग्रेशन जीरो से टू ए एम बटे टू ए आर स्क्वायर इंटू डी आर। डेल आर का क्या हो जाएगा? डी आर हो जाएगा, तब समाकलन होता है। क्यों? डेल आर तभी हटेगा, सीमा ले देंगे और समाकलन कर देंगे तो डेल आर का डी आर हो जाता है। तो एम बटे टू ए जीरो से टू ए आर स्क्वायर डी आर, समाकलन कर दिया, सीमा चढ़ा दी, बराबर हो गया चार बटे तीन एम ए स्क्वायर। दूसरा भाग हो गया, तीसरा है आपका छड़ के एक सिरे से एक सिरे से पारित हो पारित हो तथा छड़ के साथ अल्फा कोण बनाती हो। तो देखिए आपकी फिगर इस प्रकार बनेगी। कोई छड़ आपने ले ली ए बी और इससे लंबे दूरी ये ले ली पी एन और ये रेखा है ए सी, ये 90 डिग्री का कोण है और ये दूरी एक्स है। अवयव पी क्यू की पी क्यू की मोटाई डेल एक्स है। अब देखिए रेखा ए सी के परतः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने का ये, यानी देखिए इसके अनुसार छड़ एक सिरे से पारित हो, छड़ के एक सिरे से पारित हो तो छड़ एसी है और एबी के एक सिरे से पारित हो तो एसी के परत है। अब रेखा एसी से परत निकालेंगे तो पीएन का मान निकालना पड़ेगा आपको। तो देखिए माना के 2a लंबाई की 2a लंबाई की एक समान AB छड़ है जिसके एक सिरे से पारित रेखा छड़ के सिरे से अल्फा कोण बनाती है पारित रेखा एसी। छड़ के सिरे से अल्फा कोण बनाती है अतः एसी से अवयव पी क्यू की
लंबे दूरी, लंबे दूरी पी एन है। चूंकि पी एन लंबवत है तो पी एन का मान निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज है तो साइन आता है, आता है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए पी ए एन पी से, पी एन यानी साइन अल्फा बराबर लंबवटे करण पी एन बटे ए पी, या पी एन बराबर ए पी साइन अल्फा, ए पी साइन अल्फा। ए पी का मान है आपके पास, आता है पी एन बराबर एक्स साइन अल्फा। तो देखिए आपने मान लिया, माना कि टू ए लंबाई की एक समान छड़ ए बी छड़ है, छड़ जिसके एक सिरे से छड़ है, एक सिरे से पारित रेखा एसी छड़ के सिरे से अल्फा कोण बनाती है। रेखा एसी से अवयव पीक्यू की लंबिक दूरी पी